दोस्तों कंगना रनावत और राघव की फिल्म चंद्रमुखी टू का ट्रेलर रिलीज किया गया। इसको जो है साउथ फिल्मों के मतलब दक्षिण भारत फिल्मों के दिग्गज निर्माता मनीष शाह ने जो है बनाया है और पी वासु की फिल्म है। बात करते हैं फिल्म के ट्रेलर के बारे में। वही कहानी है, एक राजा और एक नर्तकी और एक हवेली। तो चंद्रमुखी टू में अगर मेरा अगर आकलन है कि हवेली हर फिल्म में एक किरदार होती है, चाहे वो चंद्रमुखी हो, चाहे चंद्रमुखी टू हो, या फिर अपने इधर जो उसकी रीमेक हिंदी बनी है भूल भुलैया पहली और भूल भुलैया दूसरी, अगर हवेली नहीं है तो फिर एक कोई किरदार नहीं है। हवेली के इर्द गिर्द सारी कहानी घूमती है। सेम वैसे ही हुआ है इसमें। एक किरदार कहता है कि 17 साल बाद कहानी वही रिपीट होने वाली है। तो इससे पहले रजनीकांत जी की फिल्म आई थी चंद्रमुखी, जिसमें उन्होंने वेटियापुरम राजा का रोल किया था। इस बार राघव हैं। फिल्म का ट्रेलर मुझे ठीक ठाक लगा, बहुत ज़्यादा कुछ अलग नहीं लगा। सेम वही कहानी है, वही ड्रामा है, थोड़ा सा हॉरर का टच दिया गया है। बाकी कंगना रनौत को जो है कंगना रनौत का गाना पहले आ चुका था और उनको इस ट्रेलर में बहुत ही थोड़ा स्पेस दिया गया है। शायद ये सस्पेंस के तौर पे रखा जाए कि उसको मेकर्स लोग रिवील नहीं करना चाहते होंगे, उनके किरदार के बारे में ज़्यादा बताना नहीं चाहते होंगे। ये जाकर के आपको सिनेमाघर में ही देखने को मिलेगा। बाकी ठीक ठाक है चंद्रमुखी टू का ट्रेलर और VFX काम भी थोड़ा ठीक ठाक है। इससे पहले वाली हालांकि मुझे चंद्रमुखी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। उस फिल्म ने तो कमाई के नए कीर्तिमान स्थापित किए थे। चंद्रमुखी मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, कि चंद्रमुखी ऐसी फिल्म थी जो जापान में सबसे ज़्यादा कमाई की थी, जापान में सबसे ज़्यादा दिन चलने का रिकॉर्ड बनाया था। ये चंद्रमुखी के नाम था रजनीकांत की। तो बाकी वीडियो कैसी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, जयराम जी की।